ओम प्रकाश जी, देश भर से जुड़े स्टार्टअप की दुनिया के सारे दिग्गज, हमारे युवा साथी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हम सभी ने भारतीय स्टार्टअप की सफलता के दर्शन किए और कुछ स्टेक होल्डर्स का प्रेजेंटेशन भी देखा। आप सभी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। आजादी के 75वें वर्ष में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। साथियों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके तीन अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोस से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। अंजल टैक्स की समस्याओं को खत्म करना और टैक्स फाइलिंग को सरल करना हो, एक्सेस टू क्रेडिट को आसान बनाना हो, हजारों करोड़ रुपए की सरकारी फंडिंग का प्रबंध हो, ये सुविधाएं हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप्स को 9 लेवर और 3 एनवायरमेंट लॉज से जुड़ी कंप्लायंसेस को सेल्फ सर्टिफाई करने की सुविधा दी गई है। डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ एटेस्टेशन से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज 25,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म करने के पड़ाव तक पहुंच चुका है। स्टार्टअप्स सरकार को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस आसानी से दे पाए,
इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप रनवे भी बहुत काम आ रहा है। साथियों, अपने नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा, उनकी क्रिएटिविटी पर भरोसा किसी भी देश की प्रगति का अहम आधार होता है। भारत आज अपने युवाओं के इस सामर्थ्य को पहचानते हुए नीतियां बना रहा है, निर्णय लागू कर रहा है। भारत में 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 11000 से ज्यादा स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, 42,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और लाखों की संख्या में स्कूल है। ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास देश में बचपन से ही स्टूडेंट्स में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने, इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का है। 9000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेट करने, नए आइडियाज पर काम करने का मौका दे रही है। अटल इनोवेशन मिशन से हमारे नौजवानों को अपने इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। इसके अलावा देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में हजारों लैब्स का नेटवर्क हर क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देता है। देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशंस पर बल दे रहे हैं। हमने अनेकों हैकेथॉन्स का आयोजन करके नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने रिकॉर्ड समय में बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमें दिए हैं। ये आप भी अनुभव करते होंगे कि सरकार के अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय किस तरह नौजवानों और स्टार्टअप के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके नए आइडियाज को प्रोत्साहित करते हैं। चाहे नए ड्रोन रूल्स हो या फिर नई स्पेस पॉलिसी, सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देने की है। हमारी सरकार ने आईपीआर रजिस्ट्रेशन से जुड़े जो नियम होते थे उन्हें भी काफी सरल कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आज देश में सैकड़ों इंक्यूबेटर्स को सपोर्ट कर रही है। आज देश में आई क्रिएट जैसे संस्थान इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। आई क्रिएट यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, ये संस्थान